data. I'll ask you. What's that? Neha, how are you first of all? I am good. I hope you are well too. After Temptation Island, अभी कहाँ हम आपको वापस देख सकते हैं? क्योंकि Temptation Island में तो एक नया fan base आपका बनी चुका है. So क्या कहना चाहोगे? After Temptation Island, firstly thank you for Temptation Island India and thank you to the new fans that I've made. I love you guys. आप मुझे अगली बार देख सकते हैं अपने OTT स्क्रीन पर. मेरी हिंदी डेब्यू पिक्चर रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है जून, जहाँ पे आई प्ले जून. मेरे बचपन का सपना पूरा हो रहा है जहाँ पे नेहा दिनेश आनंद इन एंड एज जून हो रहा है. सो दिस इज़ अ फिल्म डायरेक्टेड बाय वर्णाली रे शुक्ला और ये उनकी सेकेंड फीचर फिल्म है. ये पूरी फिल्म का जूक बॉक्स आउट है, म्यूज़िक एल्बम आउट हो चुका है. ये आप पैनोरामा म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर सुन सकते हैं. सो दिस वे यू सी मी नेक्स्ट. आप न्यू ईयर की पहले, मतलब न्यू ईयर के पहले ही आ गए, तो कैसा लग रहा है न्यू ईयर आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे? मैंने दिवाली सेलिब्रेट नहीं की अपनी फैमिली के साथ, इस बात का थोड़ा मुझे दुख हुआ. लेकिन मैं क्रिसमस उनके साथ सेलिब्रेट कर सकती हूँ और न्यू ईयर उनके साथ सेलिब्रेट कर सकती हूँ. मैं क्रिसमस, न्यू ईयर, दिवाली, मेरा बर्थडे, कुछ भी हो, ये मैं सब सिर्फ अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हूँ. मेरी मॉम, मेरी बहन और मेरा डॉग डॉगी. Any message to your fans about Christmas and New Year? क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है क्रिसमस एक फैमिली हॉलीडे है और हम सबको अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, जो मैं करती हूँ. क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ की कोई भी बड़ी ओकेजन या कोई भी फेस्टिवल जो हो, वो जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपको उतना ही प्यार वापस देते हैं, आपको उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए. जिनके पास यहाँ पर अपनी फैमिली नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स आर ऑल्सो फैमिली. सो हैव फन एंड बी रिस्पॉन्सिबल. और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन हैव फन एंड बी रिस्पॉन्सिबल. दिस इज़ हाउ यू शुड सेलिब्रेट क्रिसमस एंड न्यू ईयर, जस्ट हैव फन. सो दिस ईयर व्हाट इज़ योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन? मेरी रेजोल्यूशन एक्चुअली कभी होती नहीं है. मैं हर हफ्ते एक नई रेजोल्यूशन बनाती हूँ और मैं वो फॉलो थ्रू नहीं करती हूँ. ये साल आई थिंक मेरी रेजोल्यूशन ये है कि अब तक सोचा नहीं है मैंने, मुझे सोचना पड़ेगा. चेंज योर पोज ना, यू नीड टू मूव. अच्छा यू नीड टू मूव, जस्ट यू नीड टू चेंज योर पोज एंड यू नीड टू, if you want to turn around. अच्छा वैसा वाला? Yes. Okay. Thank you sir. Hi Neha, how are you? First of all, क्या कहना चाहोगे? इतने बड़े journey से आप आए हो और नया reality show, वो भी इंडिया में. जैसे हमने सुना है कि ये show US based show है, पहले तो आई एम फाइन एंड आई होप यू आर फाइन एज वेल. एंड थैंक यू कि मैं पहली कंटेस्टेंट हूँ इस शो से जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं. मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं पहली कंटेस्टेंट हूँ इस सीज़न की, जो इंडिया में पहला सीज़न है इस शो का. ये एक बहुत 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 बड़ा शो है ग्लोबली और इसके इतने वर्जन्स बने हैं इतनी कंट्रीज़ में. तो जब इंडिया का ये वर्जन बना और मुझे यहाँ से कॉल आया, पहले तो मैं थोड़ा डर गई थी, क्योंकि अगर आप बाहर का देखेंगे तो इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है, बहुत ही बोल्ड है. तो मैं थोड़ा सोच रही थी कि इंडिया में उसे कैसे इंडियनाइज करेंगे इंडियन ऑडियंसेस के लिए. लेकिन जो हमारी क्रिएटिव टीम थी, उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया कि ये स्टोरी इमोशंस की है. और मेरी जर्नी के बारे में अगर मैं कहूँ तो मेरी इमोशंस की पूरी बैंड बज गई थी शो में. मेरे इमोशंस मतलब यहाँ से लेकर फिर से यहाँ और फिर से यहाँ, मतलब बीच का कोई रेंज ही नहीं था, पूरा एक्सट्रीम रेंज था. एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी. मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा
और उससे ज़्यादा मैंने दूसरे लोगों के बारे में सीखा। तो मुझे पहले लगता था कि मैं बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हूँ और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ जो मैं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोग भी उतने ही स्ट्रीट स्मार्ट हैं। तो हाँ, बहुत बहुत कुछ सीखा। आई थिंक ये मेरा पहला रियलिटी शो था, लेकिन शो पर ऐसे जन थे जिन्होंने पहले भी रियलिटी टीवी किया है या उन्होंने टीवी किया है। तो मैंने ना टीवी किया है ना रियलिटी शोज़ किया है। मैं स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हूँ और मैं एक्टर हूँ। तो मेरे लिए रियलिटी टीवी, यू नो, मैं देखती थी और मुझे लगता था हाँ ये तो बहुत ईजी है, यू नो, तो क्या हुआ, कैमरा है सामने तो इसमें क्या है। तो मुझे लगता था बीइंग रियल इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी टीवी, विच इज़ द केस। लेकिन काफ़ी कंटेस्टेंट्स हैं जो इतने उम्दा खिलाड़ी हैं इस स्पेस में, जो यू नो, उनको पता था कि कैमरा के सामने कैसे बिहेव करना है या कैसे अपनी थोड़ी स्टोरी लाइन बनानी है, या एक बहुत ही क्लीशे वर्ड है लेकिन वो वर्ड है कैसे फुटेज लेना है। तो मुझे वो नहीं आता था, लेकिन थैंकफुली मैं रियल ही इतनी नॉर्मल ही इतनी ठीक हूँ कि उतना फुटेज मुझे मिला जितना मुझे चाहिए था, थैंकफुली, टच वुड। और बाकी कंटेस्टेंट्स में काफ़ी लोग थे जो रियल भी थे, लेकिन काफ़ी लोग थे जो सिर्फ कैमरा के लिए प्ले कर रहे थे। एंड आप ऑडियंस देख के डिसाइड कर ही चुकी है कि कौन रियल था और कौन नहीं था। मुझे लाइफ में आज तक धोखे ही मिले हैं। दोस्ती में मुझे धोखे नहीं मिले हैं, यहाँ पे दोस्ती में भी मिला, लेकिन मुझे प्यार में और कनेक्शंस में हमेशा धोखे मिले हैं। तो मैं अभी भी नहीं सीखी हूँ। आई टेल यू, मेरी एक प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं रियल हूँ और मैं सच बोलती हूँ, तो मैं हर चीज़ फेस वैल्यू पे लेती हूँ। अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, मैं वो मानूंगी। अगर कोई और मुझे आके बताएगा कि वो ऐसा फील कर रही है, मैं जब तक आपके मुंह से नहीं सुनूंगी, मैं वो नहीं मानूंगी, वो बिलीव नहीं करूंगी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं रियल हूँ और मैं ऑनेस्ट हूँ, तो लोग भी रियल और ऑनेस्ट है। तो आई थिंक मैं वही मार खा जाती हूँ, क्योंकि सब रियल नहीं होते, सब ऑनेस्ट नहीं होते, फॉर द रीजन यू नो बेस्ट नोन टू देम, टू ईच हिज ओन। सब अपना गेम खेलने आए थे, और अगर एक्चुअली सोचे तो ये गेम ही था और ये शो ही था। तो अगर कोई गेम खेल रहा है, मैं ये नहीं कह सकती कि ये गेम क्यों खेल रहा है, वो गेम खेलने ही आया है। मैं थोड़ी उल्लू बन गई, लेकिन कोई बात नहीं। तो हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ, क्योंकि मैं चीज़ें फेस वैल्यू पर लेती हूँ। मुझे लगा था कि मुझसे जो भी कहा गया वो सच था, और अगर आई थिंक थोड़े वे में थोड़ा 100 में से 50 सच होगा भी, आई होप, आई प्रे, लेकिन हाँ, इसीलिए मैं धोखा खा गई। तो मेरा कनेक्शन बना था अर्जुन के साथ इस शो में, और अर्जुन एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है, और मेरा कनेक्शन पूरे शो में सिर्फ अर्जुन की तरफ था। मैंने और कहीं एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। और अर्जुन का पहला कनेक्शन थी नविशा, और नविशा ने ही बढ़ावा दिया मुझे कि आप अर्जुन के साथ कनेक्शन बनाइए, क्योंकि आई थिंक ही ऑल्सो लाइक्स यू, और आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे, और हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते थे। तो ये बढ़ावा मुझे मिला, इसीलिए मैं आगे बढ़ी, और मैंने उससे ये क्लैरिटी ली थी कि मैं अर्जुन के साथ जो उनका कनेक्शन था, मैं कनेक्शन बना सकती हूँ। उसने कहा हाँ,
और ये हमारा कनेक्शन बहुत ही ऑर्गेनिकली बना मेरा और अर्जुन का, क्योंकि हम दोनों का कोर बहुत सिमिलर है ऐसा मुझे लगता था और ऐसा उसे भी लगता था। लेकिन मुझे बाहर आकर एपिसोड्स देखने के बाद पता चला कि मेरे पीछे वो अर्जुन के साथ अपना अलग कनेक्शन फिर भी कंटिन्यू कर रही थी। उसका क्या रीज़न था उसको पता है और अर्जुन को पता है, लेकिन अंदर जब मैं शो में थी मुझे नहीं पता था कि एकदम से क्या हो गया कि 4 हफ्ते के ब्यूटीफुल यू नो कनेक्शन के बाद अर्जुन ने हमारा कनेक्शन ऐसे तोड़ दिया। तो जब भी करण और मौनी आते थे वो हमेशा अर्जुन और नवेशा की केमिस्ट्री के बारे में बात करते थे, और मैं हमेशा सोचती थी कि ये दोनों तो हार्डली बात करते हैं, तो ये कौन सी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो मुझे तब स्ट्राइक नहीं होता था, लेकिन नवीशा रोज़ अर्जुन से बात करती थी 2-3 घंटा रात को, और मैं हमेशा सोचती थी कि फ्रेंडशिप स्पेस में है, मैं पोजेसिव नहीं हूँ, यहाँ कोई किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है। अर्जुन की असली गर्लफ्रेंड जो है वो है चेष्टा, वो जो दूसरे विला में है। मेरा अगर कोई लैक फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कॉम्पिटिशन है तो वो चेष्टा के साथ डिसीजन होगा एंड में। तो मुझे नहीं लगा था कि घर के अंदर ही ऐसा हो जाएगा। तो हाँ, बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, बहुत कुछ हुआ, एंड मैं सची में करण और मौनी के लिए बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि ये दो जब भी आते थे ये दो मुझे क्लैरिटी देते थे और मेरी आंखें थोड़ी खुल जाती थी कि ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और वो क्या गड़बड़ चल रही है वो किसी को समझ नहीं आता था जब तक मेरा कनेक्शन टूटा। और जैसे वो कनेक्शन टूटा आई थिंक मेरे अंदर एक इमोशनल बहुत बड़ा बैगेज था जो मैं मेरे पास्ट रिलेशनशिप से भी लेकर आती हूँ, जहाँ मुझे बिट्रेयल मिला है। तो मुझे यहाँ आके लगा कि यहाँ आके भी मेरे साथ वही हुआ कि यू नो मैं देख नहीं पाई कि मेरा जिसके साथ कनेक्शन था वो किसी और के साथ कनेक्शन निभा रहा है और बना रहा है। और मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ चुभी वॉज एक फ्रेंड ने मुझे बिट्रे किया। वो एक बहुत बड़ा झटका लगा मुझे, क्योंकि मैं लोगों से इतना ईजीली इमोशनली ओपन अप और अटैच नहीं होती। मैं दोस्त सबकी बनती हूँ और मैं बहुत प्यारी दोस्त बनती हूँ और निभाती हूँ दोस्ती, लेकिन मैं खुद किसी को अपने दिल में इतनी ईजिली जगह नहीं देती। और मैं अर्जुन नवीशा के बहुत क्लोज आ गई थी एज इंडिविजुअल्स, और जब वो यू नो बबल बर्स्ट हुआ, और द वे वो बबल बर्स्ट हुआ कि उसका कोई रीज़न नहीं मिला, इट वॉज इमीडिएटली कि एक स्विच ऑफ हो गया कि हाँ नेहा बाय, हाँ नवीशा हाय, और एक ही दिन में मतलब मेरा हाथ छोड़ के उसका हाथ वो ही दिन में पकड़ लिया। तो अंदर रहकर आइलैंड पे रहकर शो में लाइफ ऐसे लगता है फास्ट फॉरवर्ड में चलती है, क्योंकि इमोशंस यू नो सुबह कुछ और डायनामिक है, शाम को कुछ और डायनामिक है। तो हाँ वही हुआ और मैं काफ़ी उदास हो गई, लेकिन करण मौनी तेजस्वी दीज गाइज हैव रियली हेल्प्ड मी यू नो गेट थ्रू माई हार्ट ब्रेक, और हाँ एंड आई गॉट माई क्लोजर ऑन द शो एज वेल। बेसिकली हम अगर बात करें रियलिटी शो की, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो रियल कनेक्शंस बनाते भी हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, आगे तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या आगे तक उस मतलब उस रिश्ते को लेके जाए। अभी आपको क्या लगता है कि इतने सारे कंटेस्टेंट्स में से आपको रियल कौन लगा, सबसे ज़्यादा जेन्युइन कौन लगा? तो मेरे विला में मुझे सबसे जेन्युइन कनेक्शन लगा मेरी फ्रेंड उर्वी और मोहक का। उनका कनेक्शन इतना ब्यूटीफुल था, उनका बॉन्ड इतना ब्यूटीफुल था कि हम सबको पता था कि मोहक निधि से बहुत प्यार करते हैं, और यू नो वो पक्का ही निधि को नहीं छोड़ने वाले हैं। मगर उर्वी उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत टेम्पटेशन और डिस्ट्रैक्शन बनकर आई, और वो अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, और अभी भी उनमें वो कनेक्शन है जो फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा है। सो आई थिंक मोहक और निधि। और अगर मैं दूसरे विला की बात करूँ तो वहाँ पर चेष्टा जो अर्जुन की गर्लफ्रेंड थी, शी वॉकड आउट विथ एरियो, एंड चेष्टा और एरियो का कनेक्शन भी बहुत जेन्युइन लगता है मुझे, क्योंकि मैंने एपिसोड्स देखे। सो आई थिंक दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन एज वेल। मुझे लगता है ये गेम शो तो है, लेकिन अगर आप 42 डेज लोगों के साथ रह रहे हो, लोगों के बीच में रह रहे हो, तो आप कितना भी गेम करने की कोशिश कर लो, आपको एक बहुत ही शातिर खिलाड़ी होना पड़ेगा एक रोबोटिक दिमाग के साथ, जो अंदर थे घर में दूसरे जन। मेरा नाम एन से शुरू होता है और ए से ख़त्म होता है, एक और लड़की है जिसका नाम एन से शुरू होता है और ए से ख़त्म होता है, और वो शातिर खिलाड़ी मैं नहीं हूँ, वो है। तो
मुझे लगता है आप कितना भी यू नो ड्रामा करें या थोड़ा फेक बने या इमोशंस प्रिटेंड करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं तो वो निकल ही जाता है. तो यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर एज वेल, मुझे पता है कि उसको मैं बहुत पसंद हूँ, तो मुझे पता है कि वो बाहर आकर आई एम श्योर वो कोशिश करेगी मुझे एक्सप्लेन करने की, यू नो कि ये गेम था तो ऐसा खेला या वैसा खेला. तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगेन, उसने गेम खेला तो ये बात के लिए तो सल्यूट है उसको, वाई नॉट. लेकिन मेरे हिसाब से ये एक रियलिटी शो है, रियल लोगों के साथ है, और आप कितना भी गेम खेलो आप लोगों के रियल इमोशंस के साथ खेल रहे हो. तो आई थिंक वो इमोशंस के साथ एक लिमिट तक आप खेल सकते हो. किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, जो मेरा टूटा तो अगर आपने देखा है मैं बहुत रोई हूँ, और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि नेहा तू इतना रोती क्यों है. इनफैक्ट तेजस्वी ने तो आकर कहा था कि नेहा प्लीज़ रोना मत क्योंकि मैं भी रो दूँगी. तो मैं जो रोई हूँ वो मेरे एक बहुत ही इमोशन जैसे फूट फूट कर बाहर आ गए, जो इतने आने नहीं चाहिए थे. मैंने काफ़ी कंट्रोल किया लेकिन कैमराज हर जगह थे, आई कुडंट हेल्प इट, वो रोना आ ही जाता था. तो वहाँ पे आके अंदर ऐसे लगता था एक इमोशनल डैम खुल गया है मेरे अंदर और वो आंसू बहते ही जा रहे हैं. तो आई थिंक किसी को हर्ट मत करो, आप कितना भी गेम खेलो किसी को जेन्युइनली हर्ट मत करो. तो करण और तेजस्वी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, मोनी और मेरे कॉमन फ्रेंड्स हैं दो, तो मैं मोनी को भी नहीं जानती लेकिन हमारे दो कॉमन फ्रेंड्स हैं. तो उसे ये पता है कि नेहा यहाँ पर है जो मेरी कॉमन फ्रेंड है बाहर की, जो उसके साथ मेरी कॉमन फ्रेंड्स है. तो जब भी लेकिन करण भी आते थे तो आई थिंक फर्स्ट वीक में मेरा किसी के साथ कनेक्शन नहीं बना क्योंकि मैंने जाके किसी लड़के से बात नहीं करी. मैं एक बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, जो ऐसे लगता नहीं है क्योंकि मैं इतनी बातों नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट हूँ. मैं खुद जाके किसी से बात नहीं करती अनलेस मुझे करनी पड़े. तो वो जो लड़के थे मैंने जाके किसी से बात नहीं करी, तो फर्स्ट वीक में मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना. इनफैक्ट एपिसोड्स में पहले 10 दिन आप मुझे देखेंगे बैकग्राउंड में, यू नो कि कोई लड़के से बात नहीं कर रही, अपनी मस्ती कर रही है. मैं ग्रुप में बैठ के बात करती थी. तो जब फर्स्ट वीक में डेट्स का सिलेक्शन हुआ तब करण आए, और ऑब्वियसली मैं पिक नहीं हुई और मैं तो हंस रही थी कि यू नो आई थिंक मैं तो एलिमिनेट हो जाऊंगी क्योंकि मैं तो किसी लड़के से बात करूंगी नहीं, और कोई लड़का मुझसे बात क्यों करेगा क्योंकि सब लड़कियाँ उनको भाव दे रही है, तो मुझसे क्यों कोई आके, मुझे क्यों आके कोई भाव देगा बेसिकली. तो मुझे याद है मैं करण के पास गई एंड यू नो जैसे वो शूट खत्म हुई और मैंने करण को बोला करण आप बॉम्बे जा रहे हो प्लीज़ मुझे भी ले जाओ क्योंकि यहाँ तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो किसी से बात नहीं करने वाली. और तभी करण ने मुझे बोला नेहा तू छा गई है, तू टेंशन मत ले, सब मुंडे आके अभी तुझसे बात करेंगे, तू फिक्र मत कर. तो जब मौनी भी आई और मुझे पहली बार मिली और उन्होंने मुझे हक किया, मैंने उसे कहा कि मौनी मेरा कोई कनेक्शन नहीं बना है, कोई लड़का मुझे देखता भी नहीं है, 10 दिन से मुझ पर किसी ने लाइन नहीं मारी है. तो मौनी ने भी कहा कि तुझे नहीं देख रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लड़के क्या कर रहे हैं. तो हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन बनता ही गया मौनी और करण के साथ. और तेजू भी जब जैसे पहली बार आई, हम जब बैठे थे आमने सामने, इट जस्ट फेल्ट लाइक हम दोस्त हैं. एंड यू नो जब यू नो शॉर्ट्स के बीच में ब्रेक होता था या कुछ भी होता था, बात करते करते शी वुड जस्ट लुक एट मी एंड शी वुड जस्ट स्माइल. तो अगर आप वो तेजू का एपिसोड देखेंगे भी तो ऐसे लगता है कि तेजू आधा टाइम मुझसे बात कर रही है. और उसने बहुत ब्यूटीफुली काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की मुझे, उसने एक बहुत प्यारी बात कही मुझे कि नेहा अगर आप अभी भी उदास है, अभी भी दुखी है, आप ये सोचिए कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर आप एक गलत अजम्पशन में और जीती तो दर्द ज़्यादा होता. सो अगर आपका दिल अभी तोड़ दिया किसी ने वो ज़्यादा अच्छा हो गया, 10 दिन बाद फिनाले में टूटता तो आपको और दुख होता, विच इज़ ट्रू. एंड आई थिंक जैसे वो बात उसने कही, मैंने अर्जुन से भी बात करी और मुझे मेरा एक क्लोजर मिला. सो या आई लाइक टू थैंक करण, मौनी एंड तेजू फॉर बींग लाइक माई पिलर्स ऑफ सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ इन देयर, स्पेशली करण एंड मौनी. तो पहले जो बुरी चीज़ ख़त्म हुई मैं ये कहना चाहूँगी, मैं पहले कुछ बोलती नहीं थी. अगर आपने शो में भी देखा मैंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया. जब
मौका था अपनी बात करने का कि तुमने मेरे साथ गलत किया या मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरे साथ गलत किया, मैंने फिर भी बात नहीं करी ना अर्जुन से ना नविशा से। तो मेरे दोस्तों ने जाके राजवी और उर्वी, मैंने दो बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शंस बनाए अंदर, उन्होंने जाके मेरे बिहाफ पे बात करी और वो भी मुझे घड़ी घड़ी बोलते थे कि तू क्या कर रही है नेहा, तू बोल, अगर तुझे कोई हर्ट कर रहा है तुझे बोलना चाहिए। वो इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसने तुझे हर्ट किया है या कितना हर्ट किया है, और यही बात मुझे करण ने भी कही। तो मैं इमोशनली ओपन अप हुई हूँ इस शो के वजह से, और मुझे लगता है कि अब मैं ये जो मैं इतनी सारी बातें करती हूँ, मैं मतलब की भी वो बात रखूँगी, अगर मुझे कोई चीज़ अफेक्ट करेगी मैं उसे जाने नहीं दूँगी, मैं उसे सप्रेस नहीं करूँगी। और मैंने और एक चीज़ सीखी कि लोगों को जाके अप्रोच करना चाहिए, अगर कोई लड़का पसंद आए तो जाके उसे प्लीज़ बताइए कि आपको वो पसंद आया है, लड़के हमेशा खुद चल के नहीं आएंगे आपके पास। तो यहाँ ये शो में मैंने ये सीखा कि अगर मुझे कुछ पसंद है आई हैव टू गो फॉर इट, विच आई डू जनरली इन लाइफ, लेकिन प्यार के मामले में मैं ऐसा नहीं करती, इसलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। और तो ये बुरी चीज़ ख़त्म हुई है, और जो मैंने ब्यूटीफुल चीज़ पाई है इस फुल जर्नी में इज़ माय टू फ्रेंड्स राजवी एंड उर्वी। ये शो कनेक्शंस बनाने का था और मुझे लगता है कि मैंने राजवी और उर्वी के साथ इतना खूबसूरत कनेक्शन बनाया है। वो मुझे इमोशनल सपोर्ट ही नहीं, मैं अंदर बीमार थी काफ़ी टाइम के लिए, लोगों को ये पता नहीं है, बहुत टाइम के लिए मैं बीमार थी, उन्होंने मुझे फिज़िकली भी सपोर्ट किया है। तो या मैंने ये पाया है, और ऑब्वियसली मैं जब बाहर आई और मैंने मेरा फ़ोन देखा, मेरा फ़ोन टंग 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 अभी तक बजना बंद नहीं हुआ है, थैंक गॉड दी ऑडियंसेस हैव लव्ड मी। तो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन बनाया है ऑडियंसेस के साथ, सो राजवी उर्वी एंड ऑडियंस, ये मेरे तीन कनेक्शन थे जो मैंने टेम्पटेशन आइलैंड पे बनाए। बस दो शब्द कहूँगी और आपको पता चल जाएगा, शाहरुख खान, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बस आके मेरे सामने ऐसे कर दे और बस मैं फ्लैट। मैं फुली ओपन हूँ सारे रियलिटी शोज़ के लिए, इनफैक्ट बिग बॉस तो ऐसा शो है जो मैंने सीज़न वन से लेके अभी तक मैंने एक एपिसोड मिस नहीं किया है आज तक लाइफ में। मैं बीच में अमेरिका गई थी पढ़ाई करने, मैं अमेरिका में भी बैठ के बिग बॉस देखती थी। मैं कहीं भी छुट्टी पे जाती हूँ इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, मैं वेबसाइट पे जा जाके ढूंढ ढूंढ के बिग बॉस देखती थी। तो खतरों के खिलाड़ी भी ऑब्वियसली बहुत ही डेयर डेविलरी का शो है, मेरी बहन थी उस पर इस सीज़न में, और उसे देख के तो मैं और इंस्पायर हो गई। मैं एक फुल डेयर डेविल हूँ, मतलब आप बोलिए चीता के मुंह में हाथ डालो मैं वो भी कर दूंगी। सो या दीज आर ऑल शोज आई एम ओपन टू, आई एम वेरी एडवेंचरस। आप मुझे कोई भी रोलर कोस्टर पे बैठे बोल दे, तो आप मुझे प्लेन से कूदने बोले, मतलब स्काई डाइविंग समथिंग दैट आई एम वेटिंग टू डू। सो आई फ्लाई एयरप्लेन्स, आई एम अ कमर्शियल पायलट, मैं दुनिया के सबसे स्कैरी रोलर कोस्टर्स पर बैठी हूँ, मुझे गाड़ी चलाना पसंद है, मुझे मुझे सारी एडवेंचर पसंद है। खतरों के खिलाड़ी एंड द बेस्ट फॉर मी एंड बिग बॉस ऑल्सो। तो नेक्स्ट मूव आपके क्वेश्चन ने निखार दिया है मुझे, क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है, मेरी फर्स्ट बॉलीवुड हिंदी पिक्चर डेब्यू, जो बचपन से मेरा सपना था कि मैं किसी पिक्चर में इन एंड एज स्टार करूं। तो नेहा आनंद इन एंड एज जून, JOON, दैट्स द नेम ऑफ द फिल्म। ये डायरेक्टेड है बर्नाली रे शुक्ला से, ये उनकी सेकेंड फीचर फिल्म है और मैं इसमें लीड प्ले करती हूँ। मेरे साथ दो न्यू कमर्स है, अक्षय शर्मा और राहुल दोहन।
सो ये आने वाली है, मैं नाम नहीं ले सकती कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इट्स अ वेरी बिग OTT प्लेटफॉर्म, और इसकी सारी म्यूज़िक ऑलरेडी आउट हो चुकी है. इनफैक्ट जब मैं घर के अंदर थी तो इसके गाने रिलीज़ होना शुरू हुए, तो बाहर आके मुझे ऐसे लग रहा था कि हर जगह सिर्फ मैं हूँ, मतलब टेम्पटेशन आइलैंड भी मैं हूँ, जून बेगी गानों में भी मैं हूँ. तो हाँ, तो जून, सो दिस इज़ अ वेरी स्वीट लव स्टोरी. इट्स अ लव ट्राइंगल. मैं वेला में भी लव ट्राइंगल में थी, यहाँ भी लव ट्राइंगल में हूँ. एंड genres that I would like to get into, my family is from the film industry, तो मैंने सिर्फ films देखी है जब से मैं पैदा हुई हूँ. मतलब मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था, there was no second choice or second question. तो comedy, action, ये सब मेरे अंदर फूट फूट कर भरा है. मतलब मैं वेट कर रही हूँ कि कैमरा चालू हो, जैसे आपने देखा होगा मैं इतनी बात करती हूँ, कैमरा चालू कर दो बस और मैं एक्टिंग करना चालू कर दूँगी. सबके साथ काफ़ी ऑब्वियसली काफ़ी फेवरेट एक्टर्स हैं मेरे, बहुत ही सारे फेवरेट एक्टर्स हैं, पर या डेफिनेटली यार नंबर वन हैज़ टू बी शाहरुख खान, बट ऑब्वियसली आई वांट टू वर्क विद एवरीबडी. अभी न्यू ईयर भी आने वाला है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को, ऑडियंस को, और आपने जो भी नया मतलब नए रियलिटी शो से आपने जो फैंस न्यू कमाए हैं अपने लिए, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? फर्स्टली इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस. मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आप मेरी जर्नी का हिस्सा बने. मुझे जो भी लगा था कि मैं बाहर आके कैसी दिखूँगी, मैं एक नंबर की रोतड़ू दिखूँगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रोना रॉन्ग है. आई थिंक रोना इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग. आजकल फ़िलहाल एक्चुअली मैं रोज़ रोती हूँ, मैं कोई भी छोटी सी बात पर रो देती हूँ, तो रोना इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, वी शुड ऑल क्राई. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और आपके जो इतने लव वाले मैसेजेस हैं जो आप मुझे रोज़ भेजते रहते हैं, इट इज़ ब्यूटिफुल. मैं वो सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ एंड आई डू माई बेस्ट टू रिप्लाई टू देम ऑल. मैं जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो मेरी जर्नी थी टेम्पटेशन आइलैंड पे, ये मैंने दिल से खेली, मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी, और मुझे लगता है कि अगर आपका ये ठीक है तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता. आप अपना दिल साफ रखिए और लोगों के साथ अच्छा कीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड अ गुड पर्सन. सो हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप यू टेक माय एडवाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.